आवाज से 18 गुना तेज रफ्तार। पाक फौज का शाहीन थ्री बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन दुश्मन को एक ही हमले में निस्तो नाबूद करने की सलाहियत। जनूबी पंजाब में तेजाब गर्दी का भरता हुआ होलनाक रुझान। मुल्तान बीसीजी चौक तेजाब मार्केट में गैर कानूनी फरोख। तेजाब गर्दी का शिकार होने वालों में खवातीन की अक्सरियत ज्यादा। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में तेजाब गर्दी 77 फैसले सुनाए गए। मुल्तान जिला कचहरी में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। एक और जज में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। सिविल जज आमिर मंजूर का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अदालत को सील कर दिया। फाजिल जज ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। मुल्तान में सुई गैस नायाब। कोयला भी अब घरेलू सारिफिन की पहुंच से दूर होने लगा। लकड़ी और कोयला की कीमत में इजाफा। कोयला की कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। 700 रुपए बिकने वाली लकड़ी 850 रुपए फी मन हो गई। कोयला 80 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब होने लगा। रोटी के लिए तो मिलता नहीं मगर स्मगलिंग के लिए आटे की वाफर मकदार मौजूद है। लैया में फ्लोर मिल से खैबर पख्तूनख्वा आटा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। फूड इंस्पेक्टर करोड़ ने आटे से लोड ट्रक पकड़ लिया। ट्रक में मौजूद 1250 आटा और मैदे के थैले जब्त कर लिए गए। मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। उलमाए कराम और मजहबी सियासी रहनुमाओं का मुफ्ती अब्दुल कवी का सोशल बायकॉट करने का ऐलान। आवाम से भी उनकी इमामत में नमाज न अदा करने का कह दिया। बोले मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एसोसिएशन ऑफ टीवी जर्नलिस्ट के 9 मुंतखब अहदेदारों की मुलाकात। कामयाबी पर प्रोग्रेसिव ग्रुप को मुबारकबाद दी। सदर अहमद बुज़दार और जनरल सेक्रेटरी बिलाल नियाजी ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सहाफी कॉलोनी फेज 2 देने का मुतालिबा भी किया। चोलिस्तान के सुनहरी रेत पर सजेगा गाड़ियों का मेला। फराटे भर्ती गाड़ियों के लिए रूट को हतमी शक्ल दे दी गई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी रूट 472 किलोमीटर पर मुहित होगा। स्टॉक कैटेगरी में गाड़ियां 231 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। कमिश्नर बहावलपुर की जेर सदारत इजलास में फैसला। कोट अदू में म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान का शाही निजाम। शहर में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम। दिन ब दिन शहर में सीवरेज के मसाइल भरने लगे। वॉक नंबर 8 मस्जिद नूरीवाला गली में कई रोज से नालियों का पानी जमा। मकीन परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। म्युनिसिपल इंतजामिया ने जल्द मसला हल कराने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पवेलियन खस्ता हाल। 3 साल बाद भी पवेलियन की छत कमरे ड्रेसिंग रूम्स वॉशरूम्स मरम्मत न हो सके। खिलाड़ियों को शदीद मुश्किल। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना है कि पवेलियन के लिए पंजाब स्पोर्ट्स को 2.3 मिलियन की प्रपोजल भेजी है। जल्द तामीर और मरम्मत कर ली जाएगी। मुल्तान तारिक रोड पर सीवरेज का बोसीदा निजाम। सीवरेज सतह पानी से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताफून और खड़े पानी से शहरियों को मुश्किल। बारहां दरख्वास्त देने पर भी इंतजामिया मसाइल के हल में नाकाम। जामपुर के शहरियों और स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौजवानों के लिए खुशखबरी। स्पोर्ट्स एमिनिस्टर में फिटनेस के लिए मशीनें फराहम कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने जामिनेसियम में जिम का फीता काट कर इफ्तिताह किया। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मान गनी और खिलाड़ियों ने असिस्टेंट कमिश्नर का इस्तकबाल किया। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली की नर्सेज की सुनी गई। नर्सेज हॉस्टल के अतराफ 4 दीवारी तामीर कर दी गई। नर्सेज ने एमएस के इस इकदाम को सराहा। कहा 4 दीवारी बनने की सूरत में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद हो गया है। नर्सेज हॉस्टल के दीगर मसाइल को भी खत्म कर दिया गया है। सरगोधा में फेस्को की मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को ओवर बिलिंग। चंद माह में 20 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदायगी का नोटिस भिजवा दिया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को 40 लाख जायद जुनर डाले गए।
DOI&S हाजी एहसान का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। एक्सियन फेस्को ने जल्द मामला हल करने की यकीन दहानी करवा दी। डेरा गाजी खान में थाना सिटी पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। मुनशियात फरोश की निशानदेही करने वालों को 2000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। थाना सिटी की हदूद में मुनशियात फरोशी के खिलाफ बैनर्स अवेजा। SHO इफ्तखार मलखानी का कहना है, मुनशियात फरोशों की निशानदेही करने वालों का नाम राज में रखा जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन शहर में कायम भानों के खिलाफ मुतहरिक। डेरा गाजी खान में वाहनों को शहर से बाहर मुंतकिल करवाने का अमल जारी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर उमर का कहना है कि 100 से ज्यादा वाहनों को शहर से बाहर मुंतकिल करवा दिया गया। चंद दिनों में शहर को वाहनों से क्लियर कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर सदारत हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास। 28 कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शे मंजूरी के लिए पेश। डिप्टी कमिश्नर ने बिल्डिंग बायलॉज पर सवाल उठा दिए। कमर्शियल इमारतों से ट्रैफिक मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्या इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में एक वक्त में एक फर्द दाखिल होगा? डिप्टी कमिश्नर ने मुतादित कमर्शियल इदारों के नक्शों की मंजूरी मुलतवी कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान की तायुनातियां। कानून एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फाइनेंस और लोकल गवर्नमेंट समेत 8 अहम महकमों के सेक्रेटरीज की तायुनातियां कर दी गई। मोहम्मद इब्राहिम जनेद एडिशनल सेक्रेटरी कानून एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जनूबी पंजाब तायुनात। जिशान शबीर राना एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब। मोहम्मद राशिद को एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब लगा दिया गया। सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब यूथ विंग तैमूर इस्लाम की वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर आमिर डॉगर से मुलाकात। जनूबी पंजाब में तंजीम साजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान के 370 गैर सरकारी नॉन फॉर्मल स्कूलों के बेहतरी के लिए इकदाम। स्कूलों में मुख्तलिफ आइटम फ्राहम करने के लिए NGO से मदद तलब कर ली गई। ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग हिदायतुल्ला खान की जेर सदारत इजलास। DEO लिटरेसी मोहम्मद आमिर रजा, महकमा तालीम सेहत और सोशल वेलफेयर के अफसरान, NGOs के नुमाइंदों और मुखैर हजरात ने शिरकत की। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजाम। महकमा एजुकेशन ने मुजफ्फरगढ़ में स्कूल्स की चेकिंग के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी जिला भर के स्कूल्स में कोरोना SOPs चेक करेगी। महकमा एजुकेशन की जानिब से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया। खानेवाल में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए हुकूमती इकदाम। महकमा ज़रात ने खेतों के मुआयने किए। ज़रात अफसर राना मकसूद का कहना है कि काश्तकार गंदम की फसल से जड़ी बूटियों का फौरी खात्मा करें। काश्तकार फसल को खाद और पानी महकमा ज़रात के मशवरे से लगाए। इकतीस जनवरी तक डेटा जमा न कराने पर तालिबे इल्म का दाखिला मनसूख हो जाएगा। मुल्तान के सरकारी स्कूल सरब्रहान अब तक सिर्फ 62.5% डेटा ही अपलोड कर पाए। 31 जनवरी तक अगर डेटा मुकम्मल ना हुआ तो स्कूल सरब्रहान को भी खमियाजा भुगतना होगा। लैया में सफाई की अबतर सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने रोही की खबर पर नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद को शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म। शहर की सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इजलास तलब। असिस्टेंट कमिश्नर ने सोमवार से हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान कर दिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्पेशल स्क्वाड की नंगाना चौक पर बड़ी सफाई मुहिम। एक्सकवेटर लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने हिस्सा लिया। लाहौर खानेवाल से आने वाली शाहरा की एंट्री पॉइंट पर मिसाली सफाई मुकम्मल कर ली गई। निश्चल चौक फ्लाईओवर और आर्ट काउंसिल रोड की धुलाई। निश्चल चौक फ्लाईओवर को चमका दिया गया। आलमी वबा के पुर आशोब दौर में शहरी ओलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर। जिला इंतजामिया और PHA के जेर एहतमाम फ्लावर फेस्टिवल का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ के मुलाकात में फैसले। बोले जिक्रिया पार्क में फूल रंगों खुशबू बखेरेंगे।
डीजी खान जिले कमेटी हॉल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा के लिए तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने 8 मेल और 8 फीमेल टीचर्स को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। असातिज़ा के लिए हाई टी का भी एहतमाम।